नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी कि जुलाई महीने का तीसरा सप्ताह 15 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक का समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेगा। इन 7 दिनों में मिथुन राशि जातकों आपका कैरियर कैसे रहेगा, आपका व्यापार कैसे रहेगा, आपका कारोबार कैसे रहेगा, दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है मिथुन राशि के जातकों, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, इन 7 दिनों में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक कई बड़े राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही धनयोग का निर्माण होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से और युति के बनने से धनयोग और राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए मिथुन राशि के जातकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके दिन की शुरुआत कर लेते हैं, फिर ग्रह गोचरी स्थितियों की बात करेंगे, फिर आपके प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखिए मिथुन राशि के जातकों, 15 जुलाई से दिन की शुरुआत हो रही है। सावन शिवरात्रि यानी कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से और 21 जुलाई को अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और चंद्रमा इसमें मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। साथ ही कर्क राशि और सिंह राशि यानी आपके स्वयं के लग्न पर, आपके दूसरे भाव पे, धन भाव पे और आपके तीसरे भाव पे गोचर करेंगे, यानी तीन भाव सक्रिय रहेंगे। सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके स्वयं की राशि मिथुन राशि पर रहेंगे और 17 जुलाई से ये आपके दूसरे भाव पे कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगलदेव सिंह राशि में रहेंगे, बुध ग्रह आपके राशि के स्वामी कर्क राशि में रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। साथ ही यहाँ पर शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, वक्री राहु मेष में, केतु तुला राशि में। तो ये थी कुछ ग्रह गोचर स्थितियाँ, इन्हीं के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि जातकों की आपके लिए यह सप्ताह यानी कि 15 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक का समय कैसे रहेगा, इस दरमियान आपको कितनी सफलता मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। देखिए कैरियर के मामले में अगर बात की जाए तो कैरियर में आपको काफ़ी सुधार होगा, बिजनेस व्यापार में भी तरक्की मिलेगी, बिजनेस व्यापार भी तेज़ी चलेगा। कैरियर में अगर कोई परेशानी थी, प्रॉब्लम थी तो सॉल्व होगी। साथ ही स्टाफ का सहयोग प्राप्त होगा, नई जॉब लगने की संभावना है। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, अच्छे कारोबार का विस्तार होगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करने का मन बना सकते हैं, कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे, कई बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा, कारोबार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, अच्छा खासा आपको फायदा हो सकता है। परंतु कुछ विशेष कार्य जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे वो कार्य बनेंगे। 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपके करियर और कारोबार का विस्तार होगा, जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय आपको किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण लगाए रखने की ज़रूरत होगी। और इन 7 दिनों में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि किसी को उधार कर्जा ना दें और किसी को आप पैसा ना ही दें और ना ही लें, फ्यूचर की प्लानिंग करते नजर आएंगे। साथ ही कोई इंटरव्यू वगैरह है या फिर उच्च शिक्षा की प्राप्ति है तो बड़े संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये 7 दिन अच्छा रहेगा। एक तो सूर्य का परिवर्तन भी होगा, 17 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करेंगे आपकी राशि से, यानी कि आपके स्वयं के यहाँ पर बैठकर अगले भाव पे, चूँकि ये आपके इनकम को बढ़ाएंगे और कई बड़े पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी दर्शाएंगे सूर्यदेव। तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है तो यहाँ पर देखा जाए तो आप को नई जॉब लगने की संभावना बन रही है, सैलरी में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, कई बड़े अच्छे लाभ के योग बनेंगे। साथ ही साथ बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, सूर्य और बुध की युति बनेगी जिसके कारण बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा और साथ ही साथ धन योग का भी निर्माण हो रहा है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई धर्म कर्म कार्य करेंगे, धार्मिक कार्यों में जुड़ सकते हैं, विदेश से लाभ आपको हो सकता है और साथ ही साथ संतान की कमी पूरी होगी, संतान की जो कमी थी वो पूरी होगी, संतान से आपको
लाभ मिलेंगे, संतान से फायदा होगा और साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ाव लगाव बना रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रही समस्याएं इस सप्ताह खत्म होगी, यानी कि पैतृक संपत्ति जमीन प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं अब 15 जुलाई से 21 जुलाई तक के बीच में सॉल्व होगी। प्रॉब्लम पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे तो बेच पाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, एक दूसरे के साथ आप खड़े नजर आएंगे, लंबे समय से पेंडिंग कामों को भी पूरा करेंगे, कुछ अच्छे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इनकम बढ़ेगी, अच्छे कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी, नए लाभ के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, साथ ही साथ पुराने कार्य भी पूरे करेंगे। और साथ ही बता दें कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा इस सप्ताह। तो ये 7 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही खूबसूरत रहेंगे, बस आपको मेहनत और परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तों में जो कड़वाहट थी अगर किसी के साथ वो अब कड़वाहट दूर होगी, पति पत्नी के बीच में संबंध काफ़ी मधुर बने रहेंगे इस सप्ताह, घर परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होगा, अच्छे कार्यों में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, नए लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको फायदा होगा, कुछ बेहतरीन कार्य करेंगे और सफलताएं कदम चूमती चली जाएगी, धन संपत्ति का तेजी से लाभ मिलेगा और अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य बनेगा, विशेषकर इसमें आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ कुछ नए निर्णय लेंगे। साथ ही कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे लॉटरी सट्टा में भी आपको लाभ होगा, लेकिन मार्केटिंग के क्षेत्र में पहले से इन्वेस्ट किया तो लाभ होगा। प्रेम जीवन में भी खुशियां बरसेंगी, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही बैंक के क्षेत्र से लोन वगैरह मंजूर होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश से धन आएगा, विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा, नई जॉब लगने की संभावना है, जो बेरोजगार जातक है उनके लिए लाभ होगा, मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी इस सप्ताह। साथ ही साथ बता दें कि सरकारी संगठन से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा इस सप्ताह, कई बड़े लाभ होंगे, क्योंकि इस समय श्रावण का महीना भी चल रहा है तो इसलिए महादेव की पूजा आराधना करके और उन्हें एक लोटा जल जरूर अर्पित करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा और पूरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी सुखमय रहेगा। बेलपत्र चढ़ाएं शिव जी को और साथ ही भांग धतूरा चढ़ाएं, उन्हें गंगा जल दूध चढ़ाएं, ये उपाय जरूर करें। साथ ही साथ आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें इस सप्ताह, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 15 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय शनिदेव।